आज हम बात करेंगे बिहार के लाल ईशान किशन के बारे में, साथ ही उनके चौके और छक्कों के बारे में। भारतीय टीम के चमकते हुए सितारे बिहार के लाल ईशान किशन ने ये साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें BCCI द्वारा इतने मौके दिए जा रहे हैं। बिहार के इस लाल ने अपने 7 छक्कों से अफ्रीकी खेमे में जैसे खलबली मचा दी। लखनऊ में हुए पहले मैच में टीम इंडिया को 8 रन से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे मैच में धवन के धुरंधरों ने जोरदार वापसी करते हुए 3 मैचों के सीरीज में जान फूंक दी। साथ ही साथ सीरीज का फैसला भी अब दिल्ली में आखिरी वनडे में होगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि दिल्ली का मैच काफ़ी रोमांचक होने वाला है। ऐसे में एक बार फिर से लोगों की निगाहें बिहार के ईशान किशन पर रहने वाली है। भारत के लिए यह मुकाबला करो या मरो का था। इसमें ईशान किशन अपने बल्ले की धमक से अफ्रीकी गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईशान को रांची में खेले गए ओवनडे में 3rd नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। दोनों ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल महज 13 और 28 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चले गए। ईशान किशन ने अपने होम ग्राउंड पर बड़े ही जिम्मेदारी से स्थिति को समझा और श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 3rd विकेट के लिए 150 रन से भी अधिक की साझेदारी कर डाली। ईशान ने भी 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से 93 रन टोक दिए, मगर वह अपने शतक से केवल 7 रन दूर रह गए। उन्हें केशव महाराज ने अपना शिकार बनाया। ईशान किशन के साथ साथ यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का भी होम ग्राउंड है। रांची के मैदान पर ओवनडे क्रिकेट में ईशान किशन की अब तक की यह सबसे सर्वश्रेष्ठ पारी साबित हुई। ईशान किशन ने अपनी अतीसी पारी के बदौलत रोहित शर्मा और सौरव गांगुली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। साथ ही साथ अब दूसरे पायदान पर आ गए हैं। वनडे की एक पारी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में यूसुफ पठान पहले नंबर पर हैं। उन्होंने 8 छक्के लगाए हैं। वहीं रोहित शर्मा और सौरव गांगुली ने 6-6 छक्के लगाए हैं, मगर ईशान किशन ने दूसरे वनडे में 7 छक्के लगाकर इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। मैच के बाद उन्होंने अपने छक्के लगाने की काबिलियत को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जैसा छक्का कोई नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि मैं बहुत आसानी से छक्के लगा लेता हूं, यह मेरी स्ट्रेंथ है। अगर मैं छक्के से ही सारा काम कर लेता हूं तो मुझे स्ट्राइक रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीरीज का आखिरी ओवनडे मैच दिल्ली में 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। ऐसे में सभी की निगाहें एक बार फिर से ईशान की तरफ की होगी और दर्शकों को उम्मीद है कि ईशान के छक्के और चौके लगातार उन्हें देखने को मिले। आपको बता दें कि ईशान किशन IPL ऑक्शन 2022 के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें 15.25 करोड़ रुपये में चुना गया है और IPL में भी उनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा था। ऐसे में एक बार फिर से बिहार के इस लाल की उम्मीद है और साथ साथ दर्शकों की खास करके उम्मीद है कि ईशान किशन का बल्ला एक बार फिर से चमके और वो देश दुनिया में अपना नाम कमा सके। तो ये थे ईशान किशन से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।